क्या लालसा है कि क्या मिलता है सभापति महोदय को सत्य है, कोई विकास नहीं हो रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर लालगंज की धरोहर और कई दशक पुराने, जहां कभी गांधी भी आए थे, और वह लालगंज के शारदा सदन पुस्तकालय है, जहां पूरे वैशाली जिले में सबसे पुराना पुस्तकालय स्थापित है, जहां कई बार बड़े बड़े अधिकारी और कई बड़े मंत्री विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन आज उसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पुस्तकालय के चार दीवारी से सटे नाला की स्थिति आप स्वयं देखकर आंकलन कर सकते हैं कि लालगंज की धरोहर का क्या स्थिति है। इतना ही नहीं, पुस्तकालय के कैंपस में भी घुटनों भर जंगल उपज पड़ा है। ना तो पुस्तकालय के संरक्षक ही इसकी साफ सफाई करते हैं और ना ही लालगंज नगर परिषद। जानकारों की माने तो लालगंज नगर परिषद चाहे तो बोर्ड की बैठक कर पुस्तकालय में मिट्टी भराई से लेकर साफ सफाई तक की कार्य कर सकती है, क्योंकि यह लालगंज की धरोहर है, नगर परिषद की धरोहर है। लालगंज नगर क्षेत्र के शारदा सदन पुस्तकालय के पास नाला पे जो है सिलाब टोटल टूट चुका है, आने जाने में भी राहगीरों को काफी परेशानी होती है। जी, शारदा सदन पुस्तकालय तो ऐतिहासिक धरोहर है हमारा लालगंज का, लेकिन उपेक्षित है, किसी का ध्यान उस ओर नहीं है। जहाँ तक आप नाला के बात किए हैं, बोर्ड में कई बार हम लोग प्रयास किए हैं कि प्रपोजल ने, हालांकि 1200 हम लोगों के बोर्ड आने के पूर्व 1200 सिलाब बना भी था, लेकिन सिलाब कहाँ लगा कोई पता नहीं है कि 1200 बना ही नहीं, गलत तरीके से बनाया गया सिलाब। और वहाँ समस्या है, वाकई में नाली टूटा हुआ है, सड़क टूटा हुआ है, सिलाब नहीं है। एक सिलाब जब कचरा उठाने आता है तो सिलाब तोड़ देता है, उस छोटा छोटा अगर सिलाब बन जाता तो मेंटेनेंस में भी सहूलियत होती, जो ऐसा नहीं हो रहा है। अब बोर्ड में हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि लाएं, लेकिन विषय सभापति महोदय के द्वारा नहीं लाया जाता है। दरअसल लालगंज नगर परिषद चुनाव हुए, एक वर्ष बीत गए, चुनावी मुद्दे तो नेताओं ने बहुत रखे थे, करप्शन के खिलाफ लड़ने के बड़े बड़े वादा किए थे, जो पुराना जनप्रतिनिधि न किया वह नया करके दिखाएंगे, चौमुखी विकास की गंगा लालगंज नगर परिषद में बहाएंगे। परंतु गंगा तो बह रही है, पर विकास की नहीं। लालगंज नगर परिषद में नाला की गंगा बह रही है, खुले हुए नाला, टूटे हुए सिलाब की गंगा बह रही है, और यह लालगंज नगर परिषद की जनता बाखूबी देख रही है। आज लालगंज नगर परिषद की सूरतें ये हाल ऐसी हो गई है कि जो करप्शन के खिलाफ लड़ते थे आज वह चुप हो गए हैं, या यूं कहें कि आज वह भी शायद इस करप्शन में लिप्त हो गए हैं, तभी तो चुप हो गए हैं। यह राजनीतिक दलदल ही ऐसी हो गई है, जिस पर आरोप लगता है उसे ही आगे बढ़ाया जाता है। बता दें कि लालगंज नगर परिषद में साफ सफाई में कार्यरत एनजीओ पर कई बार नगर परिषद से अवैध उगाही का आरोप लगा है। दरअसल अवैध नहीं, इसे नजराना कहा जा सकता है। लालगंज नगर परिषद नजराना के रूप में 23 लाख रुपए की महीना या उससे अधिक साफ सफाई में कार्यरत एनजीओ को देती है, और एनजीओ में मात्र 75 से 80 स्टाफ कार्य करते हैं। जिस एनजीओ पर साफ सफाई न करने की आरोप लगता है, जिस एनजीओ को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात होती है, फिर उसी एनजीओ को लालगंज नगर परिषद की साफ सफाई की बागडोर दे दी गई। आखिर क्यों और किसके इशारे पर, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साफ सफाई पे हमेशा आरोप लगते आता है कि सप्ताह में जो 6 दिन होना चाहिए वो कभी कहीं 3 दिन होता है, कहीं 4 दिन होता है, ये क्या मतलब, इसमें क्या घोलमूल है? नहीं, साफ सफाई पर तो हम अभी 21 नवंबर को बोर्ड का बैठक हुआ था, स्पष्ट रूप से हम कह दिए थे बैठक में कि एनजीओ को भंग मतलब काली सूची में दर्ज करते हुए रद्द कर देना, इसको हटा देना है। इसके बावजूद भी अब पता नहीं क्या लालसा है कि क्या मिलता है सभापति महोदय को, कि जबरदस्ती उसी एनजीओ को फिर कंटिन्यू कर दिए हैं। आप सोच लीजिए कि जहाँ 26 आदमी है, अगर अकेला हम विरोध करेंगे तो मान्य होगा नहीं, जब तक 15 आदमी एक पक्ष में नहीं होगा। दूसरा है, स्टैंडिंग कमेटी में 5 आदमी है, हम अकेले चिल्लाते हैं, 4 आदमी बहुमत से पास करा लेता है। इतना ही नहीं, सदन में हम कोई बात कहते भी हैं, अच्छा अगर सुझाव हुआ तो सभापति अपने मुद्दा में, अपना मतलब प्रपोजल में उसको लिखवा लेते हैं। हम कई बार आरोप लगाए हैं कि छेड़छाड़ किया जाता है प्रोसीडिंग में, हम केस कर देंगे। तो क्या लगता है, जो जनता की आरोप लगते आ रही नगर परिषद पे कि नए सभापति या पार्षदों को चुनने के बाद भी विकास नहीं हो रहा है, ये सत्य है कहीं? हाँ, बिल्कुल सत्य है, कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास की हो, आवास योजना की हो, या अन्य कोई भी योजना की हो, उससे कितना संतुष्ट आप हैं और जनता कितना संतुष्ट होगा? हम तो संतुष्ट नहीं हैं, हम रत्ती भर संतुष्ट नहीं हैं नगर परिषद के क्रियाकलाप से, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ बड़े बड़े आका लोग कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे,
लेकिन उन सब लोगों से पूछ कर देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कोई सुनता है किसी का वहाँ? सुनने में आता है कि सफाई योजना में एक मोटी रकम आती है जो सभी लोगों में वितरण होता है। बिल्कुल, तो हम शुरू से कह ही रहे हैं। उसमें आप भी शामिल हैं क्या? बिल्कुल हम नहीं हैं, कहीं नहीं हैं हम, हमसे तो कोई आज तक कॉन्टेक्ट नहीं किया। यह भी कहा जाता है कि हाँ आपसे अगर कॉन्टेक्ट करता तो आप शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया है, हमसे जब शुरू से नहीं कॉन्टेक्ट किया, अभी तक नहीं कॉन्टेक्ट किया था, अब हमसे कह रहा कोई कॉन्टेक्ट करेगा।